हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे एक नए ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। ये दुआ है मेरी कि आप सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। तो आज के ब्लॉग में हम जाने वाले हैं एक मशहूर आलीशान जगह पे, जो कि गोंडा के सालपुर बाज़ार में स्थित है। जी हाँ, हम जाने वाले हैं यशमय विला क्लब एंड रिसोर्ट, और वहाँ जाके हम खूब सारी मस्तियाँ करेंगे, मौज मस्तियाँ करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या खास बात है। तो बिना देर करे हम चलते हैं यशमय विला और देखते हैं क्या माहौल है। बाहर और ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल। तो हम लोग आ चुके हैं यशमय विला के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। तो मैं यहाँ पे आया हूँ शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम ये और ही खूबसूरत लगता है। यहाँ का माहौल शाम के टाइम सबसे ज़्यादा निखर जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे शाम के टाइम आया, क्योंकि शाम का टाइम यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग वगैरह रहती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है विला। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, उसके बाद आप पूरा विला घूम सकते हैं। तो मैंने ऑर्डर किया है मैंगो जूस, एक मेरा एक मेरे फ्रेंड के लिए। देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ का नज़ारा और ही लाजवाब है। स्विमिंग पूल में बाकायदा पानी वगैरह भी भरा हुआ है, यहाँ पे आके आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो स्विमिंग पूल के जस्ट बगल में ही ऊपर ये बार बना हुआ है, ये आप पार्टी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं और बार में बैठ के आप पूरा स्विमिंग पूल का व्यू ले सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत है। तो स्विमिंग पूल के सामने यहाँ पे बीच चेयर्स भी लगे हुए हैं, आप यहाँ पे लेट के पूरा गोवा वाला मज़ा ले सकते हैं। जैसा कि हम लेट रहे हैं और सामने स्विमिंग पूल है, फुल गोवा वाला वाइब आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप आके यहाँ पे इसे इंजॉय कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस विला में स्विमिंग पूल का होना विला को काफ़ी खूबसूरत बनाता है, और लोग खासकर ज़्यादातर स्विमिंग पूल देखने के लिए इस विला में आते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। ये रहा यहाँ का रेस्टोरेंट, आप बाहर भी कुछ मंगवा के खा सकते हैं और यहाँ पे भी खा सकते हैं। इसके आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत ही लाजवाब बनाता है इस विला को। तो आ जाएं मेरे साथ मेरे आलोक भाई, क्या ऑर्डर किया आपने? मोमोज। आलोक भाई ने मेरे लिए मोमोज ऑर्डर किया है, तो फिर चलो खाते हैं। तो
गाइस आप यहाँ आके खूब सारा मौज मस्ती कर सकते हैं, और किसी भी फंक्शन के लिए जैसे बर्थडे पार्टी हो गया, शादी वगैरह का फंक्शन हो गया, इसके लिए आप क्लब और रेस्टोरेंट बुक करवा सकते हैं। और यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पे रूम्स भी ले सकते हैं। और एक ख़ास बात और है, जी हाँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, आप गोवा वाला मज़ा भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि इस क्लब को और भी खूबसूरत और आलीशान बनाता है। तो गाइस जैसा कि आपको बता दें, इस विला का ओनर कौन है? इस विला के ओनर हैं सर मयस्कर सिंह। और इस विला का नाम यशमय ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस विला का नाम दो नाम से मिलके बना है, एक मयस्कर सिंह के पिताजी का नाम, जो कि उनके पिताजी का नाम था यशदेव सिंह, और इनका नाम मयस्कर सिंह, और यशदेव का यश ले लिया गया है और मयस्कर का मय ले लिया गया है, और मिलके बन गया है यशमय। तो यशमय दो नाम से बना हुआ है, और इनका स्कूल भी है यशमय वर्ल्ड स्कूल, जो कि गोंडा बाज़ार में स्थित है। तो गाइस जैसा कि देखा आपने, कितना आलीशान और खूबसूरत ये क्लब था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।